स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। आज हम लोग क्लास 11 के बाइनोमियल थ्योरम के सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपने अभी तक वेबसाइट पे विजिट नहीं करा है तो वेबसाइट है www.mathematicsstudyhub.com। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाएँ तो क्लास 11 के फॉर्मूले चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, तो आप वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं स्कूल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सो दैट 9 to the power n+1 -8n -9 इज डिविजिबल बाई 64 वेन एवर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। और जो भी कोई फॉर्मूला यूज होगा मैं बता दूंगा, बहुत ज़्यादा बाइनोमियल थ्योरम में फॉर्मूले नहीं है, एक एक्सपेंशन का है और एक जनरल टर्म का है। तो जब जो जिस टाइप का क्वेश्चन होगा मैं उसमें बता दूंगा। तो फिलहाल इसमें एक्सप्रेशन यूज होगा यानी कि एक्सपेंशन करना पड़ेगा, तो मैं एक्सपेंशन लिख देता हूँ। ए प्लस बी की पावर एन का एक्सपेंशन इसमें यूज होगा, तो मैं लिख देता हूँ एन सी जीरो ए की पावर एन प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर टू प्लस एन सी थ्री ए की पावर एन माइनस थ्री बी की पावर थ्री प्लस डॉट 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 एन सी एन बी की पावर एन। अब इस एक्सपेंशन को याद करना बहुत आसान है। होता क्या है, n और ये जो नीचे नंबर लिखा है इन दोनों का डिफरेंस जो है वो a की पावर में रहता है और जो नीचे नंबर होता है वो b की पावर में होता है। आप किसी में भी देख सकते हैं, जैसे a में क्या देखो इन दोनों का डिफरेंस है n माइनस टू और जो नीचे नंबर लिखा है वो b पे है, तो आप इंडिविजुअल टर्म को आराम से समझ सकते हैं क्या आएगा। तो जैसे थ्री है तो देखो एन माइनस थ्री है और ये बी की पावर थ्री है, लास्ट में अगर इधर नीचे एन है तो बी की पावर एन है। अब ए क्यों नहीं है, क्योंकि ए की पावर एन माइनस एन करोगे तो n माइनस एन क्या हो जाएगा जीरो, तो a की पावर जीरो वन हो जाएगा, इसलिए लिखने कोई फायदा नहीं है। तो ये एक्सपेंशन हमें यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, चेक करना है इसकी डिजिबिलिटी। तो कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का, तो अब करना क्या है, जिस पे पावर है उसको a प्लस बी की पावर a प्लस बी के फॉर्म में लिख लेना है। जैसे हमें इसको चेक करना है 9 की पावर n प्लस 1 माइनस का 8n माइनस के 9 को, तो जिस पे पावर हो यानी बाकी टर्म से हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। 9 है तो 9 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस, आपको हमेशा 1 प्लस फॉर्मेट में लिखना है कि पावर n प्लस 1 माइनस का 8n माइनस का 9। अब यहां पे आप देख पा रहे हो a प्लस बी और ये हमने जो मैंने एक्सपेंशन इधर लिख रखा है उसी का हमें यूज करना है। तो चलिए इसमें a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर देते जो मैंने लिख रखा है। तो क्या फॉर्मूला, एन सी जीरो, यहाँ पे एन एन प्लस 1 है तो एन प्लस 1 सी जीरो, 1 की पावर a की पावर n होता है तो यहाँ पे a 1 है तो 1 की पावर लिखना होगा, तो 1 की पावर n प्लस 1, फिर नेक्स्ट है एन सी 1 है तो यहाँ पे n n प्लस 1 है सी 1, 1 की पावर मैंने क्या दिया था इन दोनों का डिफरेंस होता है तो डिफरेंस कर दो, और b हमारा 8 है तो 8 की पावर 1, ऐसी n प्लस 1 सी 2, 1 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, और 8 की पावर क्या आ जाएगा 2, फिर n प्लस 1 सी 3 तो 1 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 8 की पावर 3, और लास्ट टर्म भी लिख लो। अब लास्ट में क्या है n सी n है तो यहाँ पे n हमारा n प्लस 1 है और 1 की पावर लिखने कोई फायदा नहीं है, b की पावर n यानी कि 8 की पावर n प्लस 1। तो ये तो इसका एक्सपेंशन हो गया और दो टर्म और लिखे हैं माइनस, ये तो एक्सपेंड हमने कर लिया ठीक है, और हमारा माइनस का 8n माइनस का 9 भी है ठीक है ये टर्म। चलिए इसको सिमिलर करते हैं, तो दो टर्म जो है बहुत यूजफुल है, मैंने यहाँ लिख भी रखे हैं कि एन सी जीरो हमेशा 1 होता है और एन सी 1 हमेशा n होता है, तो इसको हम कॉम्बिनेशन फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे यही आएगा, तो आप याद रखें क्योंकि बार बार सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो एन सी जीरो हमेशा 1 होता है, अब n कुछ भी हो यहाँ पे n प्लस 1 है तब भी ये 1 रहेगा और 1 की पावर कुछ भी हो ये 1 ही होगा, तो ये फिलहाल फर्स्ट टर्म आ गया 1। एन सी 1 फॉर्मेट का है तो n होता है तो यहाँ पे n प्लस 1 है तो यहाँ n प्लस 1 आ जाएगा, ये 1 रहेगा यहाँ 8 आ जाएगा। इसको कॉम्बिनेशन से आप सॉल्व कर सकते हो लेकिन जरूरत पड़ेगी नहीं, तो आप इस क्वेश्चन में ऐसे ही आप लिखा रहने दीजिए n प्लस 1 सी 2 और ये 1 हो जाएगा 8 स्क्वायर, ऐसी n प्लस 1 सी 3 8 क्यूब, लास्ट में ये भी 1 हो जाता है ठीक है। बात करें अगर हम एन सी एन की, मतलब एन सी एन जो होता है वो भी 1 होता है, तो यहाँ ये 1 हो गया तो यहाँ बचा 8 की पावर n प्लस 1 और ये माइनस का 8n माइनस का 9 ठीक है, ये आ गया हमारा टर्म।
चलिए इसको सिंपलीफाई करते हैं थोड़ा, 1 + 8 का मल्टीप्लाई करें तो 8 10 + 8 n+1 c2 8² n+1 c3 8³ 8 की पावर n+1 माइनस का 8n माइनस का 9, 8n से 8n कैंसिल, 8+1 9 होता है, ये भी कैंसिल। अब आप देख पा रहे हो रिमेनिंग जो टर्म्स हैं, पहले टर्म में 8² है फिर 8³ है, इसका मतलब है हम 8² कॉमन ले सकते हैं, तो 8² कॉमन लिया तो यहाँ बचा n+1 c2, यहाँ बचा n+1 c3 8, क्योंकि 8² कॉमन आ गया, और लास्ट में अगर बात करें 8 की पावर 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन का मतलब होता है कि पावर -2 कर दी है, तो यहाँ -2 करोगे तो 8 की पावर क्या बचेगा, n-1। ठीक है, मैं फिर समझा दूँ कि अगर 8 की पावर 2 कॉमन लिया तो यानी हर नंबर में पावर 2 माइनस हो रही है, जैसे इसमें माइनस किया तभी तो 8 की पावर 0 बचा वो हट गया, यहाँ 3 - 2 हुआ तभी तो 8 की पावर 1 है, यहाँ -2 करेंगे तो n-1 आएगा। क्लियर, तो चलिए 8² अगर बाहर आ गया इसका मतलब यहाँ हम 64 लिख सकते हैं, और ये रिमेनिंग टर्म हम ऐसे ही लिख रहने देंगे, तो आप लिख सकते हैं कि इट इज डिविजिबल बाय 64, हमें यही प्रूव करना था, दैट इंप्लाइज इट इज डिविजिबल बाय 64, तो ये प्रूफ हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन करने, तो सेकंड क्वेश्चन में है फाइंड a+b की पावर 4 -a - b की पावर 4, हेंस एवेल्यूट, एक हमें टर्म सिंप्लीफाई करना है, तो देखो अगर इसको देखें तो आप देख रहे हो सेम चीज लिखी है, बस a की जगह √3 है, b की जगह √2 है, यानी कि जो हम ये सिंप्लीफाई करेंगे बस लास्ट लाइन में हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर हम बात करें a+b की पावर 4 की, तो ये मैंने लास्ट टाइम जो ट्रिक बताई है फॉर्मूला लिखने की, वैसे लिखी कैसे, जो पावर है उसमें हम स्टार्ट करेंगे 4c 0 से, nc 0, और फिर मैंने क्या कहता था a की पावर n होगा, a यहाँ पे a ही है, और a में मैंने क्या कहता था इन दोनों का डिफरेंस होता है तो 4 आएगा, और b की पावर क्या होता है जो नीचे लिखा होता है, तो b की पावर 0 1 होगा, इसे लिखने कोई फायदा नहीं है, प्लस फिर ऐसे एक्सटेंड करते जाओ 4c 1 हो जाएगा। तो आपको वो मेन फॉर्मूला याद हो या ना हो, बस आपको ध्यान क्या रखना है, पहला नंबर पावर होगा और यहाँ सी में नीचे 0 से स्टार्ट करना है, ए की पावर में इन दोनों का डिफरेंस करना है, बी की पावर में ये नंबर लिखना है, तो आप इजीली लिख सकते हो फॉर्मूला 4c 1। अब देखो ए इन दोनों का डिफरेंस, अब बी की पावर 1 आएगा, ठीक है, पहले सी 4c 2, और कहाँ तक जाओगे, जब तक ये 4 तक ना पहुंच जाए, a 2, b की पावर 2, ऐसी 4c 3, एक ए आएगा और इधर b³ और लास्ट में 4c 4, और लास्ट में बी की पावर 4 आता है, ए हट जाता है जब, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखें, जब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, पावर 6 भी हो सकता है, आप हमेशा पहले वाले में जो पावर हो और ट्राई करो वो एक लाइन में ही आ जाए, दूसरी लाइन में ना आए, जिससे कैलकुलेशन बहुत आसान रहेगी, अदरवाइज आप खुद कंफ्यूज रहोगे किसको कैंसिल करना है क्या है। आप ध्यान रखें जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, आपको पावर वाला जो एक्सपेंड आपने किया है वो एक लाइन में ही रहे। अगर मेरे पास पावर 6 होती तो मैं ध्यान रखता थोड़ा छोटा लिखता और एक लाइन में आ जाता। ऐसे ही अब a - b की पावर 4 को कर लेते हैं। अब a - b का मैंने फॉर्मूला आपको नहीं बताया, जरूरत भी नहीं है, सिंपल क्या आपको ध्यान रखना है, जो भी फॉर्मूला लिखा है ना उसमें पहला टर्म पॉजिटिव लिखना है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, यानी कि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव करना है माइनस वाले में, तो बस कॉपी कर दो, तो यानी कभी भी माइनस का एक्सपेंशन आ जाए तो आपको सिंपल सेम करना है, बस पहला टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यानी अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लगा देना है। तो मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, बस प्लस माइनस इसका ध्यान रखना है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब फिर एक चीज का और ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में यहां बीच में माइनस है या प्लस है, तो जैसे हम लोग ऐड करते हैं सिंपल सब्सट्रैक्ट करते हैं वही रूल लगाना है। अगर सपोज करो यहां प्लस होता है यानी कि मुझे ऐड करना है, तो ऐड करने पे जो साइन होते हैं वैसे ही साइन रहते हैं, ऐड करने पे साइन नहीं बदलता है, लेकिन यहां पे क्या है माइनस है, तो यानी मुझे माइनस करना है तो होगा क्या, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, साइन चेंज हो जाएगा। ये चीज आपको पता है कि जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं इक्वेशंस को, ये समझ लो ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, तो अगर हमें माइनस करना है तो साइन चेंज करना है, अगर माइनस नहीं हो ध्यान रखना चीज को, अगर माइनस नहीं है तो साइन चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये प्लस माइनस है कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, और ये भी प्लस माइनस कैंसिल। अब आपको समझ में आया कि मैंने बोला था एक लाइन में क्यों लिखना है, जिससे आपको इजिली कैंसिल करने में कोई दिक्कत ना है, ठीक है।
तो चलिए अब क्या बचा, एलएचएस में आएगा ए प्लस बी की पावर 4 माइनस ए माइनस बी की पावर 4 इक्वल टू, ये और ये टर्म सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 इंटू 4c1 ए क्यूब बी प्लस, ऐसे ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा 4c3 ए बी क्यूब। ठीक है, अभी मैंने इस लास्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था कि एन सी वन हमेशा एन होता है, तो ये 4 हो जाएगा ए क्यूब बी 2 इंटू, और 4c3 भी 4 होगा, और चाहो तो मैं सॉल्व करके दिखा दूं 4c3 क्या फॉर्मूला होता है एनसीआर का, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, एनसीआर का ये होता है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन ये तो 1 आएगा, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, ये 3 फैक्टोरियल, तो 4 को लिखोगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 4 ही आएगा 4ab³, तो ये हो गया 8a³b 8ab³। अब जो कॉमन मिल रहा है कॉमन ले लो, यहाँ पे 8ab कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फिलहाल हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया कि a प्लस बी की पावर 4 माइनस ए माइनस बी की पावर 4 जो है वो ये है। क्लियर हुआ, चलिए अब हम ये फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस a की वैल्यू पुट करनी है रूट 3, बी की रूट 2 पुट करनी है, पुट कर देते हैं, तो यहाँ भी पुट करना होगा, तो 8 इंटू ए हमारा रूट 3 है, बी हमारा रूट 2 है, ब्रैकेट रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, 8 रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 8 रूट 6 इंटू 3 प्लस 2 5, 8 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40√6 आ जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 40√6। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, याद रखना पावर को एक लाइन में लिखना है, ऐड तो साइन चेंज नहीं करना है, माइनस है तो साइन चेंज कर देना और सिंप्लीफाई कर देना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिसमें लिखा है द सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्स प्लस ए की पावर एन आर दिस 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 रिस्पेक्टिवली और एक्स ए एन हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले इसके 3 टर्म्स लिख लेते हैं एक्स प्लस ए की पावर एन के, तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका बताया फॉर्मूला याद ना भी हो क्या करना है, पावर जो पहले है वो लिख देनी है और स्टार्टिंग करनी है 0 से, और ए में लिखना है, ए मतलब पहला वाला नंबर, तो पहला नंबर फिलहाल यहाँ पे एक्स है, तो एक्स की पावर इन दोनों का डिफरेंस, फिर एन सी वन आएगा, एक्स की पावर क्या आएगा एन माइनस वन, इस बार बी आएगा, बी यहाँ पे ए है, सेकेंड टर्म जो होता है ये सेकेंड नंबर जो है वो बी होता है, तो यहाँ पे ए है ए की पावर 1, एन सी 2, एक्स की पावर एन माइनस 2 आएगा और ए की पावर 2 आएगा, डॉट डॉट और भी टर्म्स होंगे लेकिन फिलहाल हमें 3 टर्म्स की जरूरत है, क्योंकि सेकेंड थर्ड फोर्थ सॉरी फोर्थ भी है, सेकेंड ये हो गया थर्ड ये, एक और लिख लेते हैं फोर्थ टर्म जो, तो वो क्या आएगा एन सी 3 एक्स की पावर एन माइनस 3 ए की पावर 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हमें सेकेंड टर्म की जरूरत है, ये थर्ड टर्म है क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। ठीक है, तो सेकेंड टर्म हमारा है 240, तो एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 ए वो है हमारे पास 240, और थर्ड टर्म यानी कि ये एन सी 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 ए की पावर 2 है हमारे पास 720, और एन सी 3 एक्स की पावर एन माइनस 3 ए की पावर 3 ये है 1080। तो ये 3 इक्वेशंस हमारे पास हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहला काम तो ये कर लेते हैं, ये एन सी 2 एन सी 1 और एन सी 3 यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन इक्वेशंस में। तो एन सी 1 तो चलो रिजल्ट पता है एन होता है, तो यहाँ पे तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू ए इक्वल टू 240, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एन सी 2 का क्या होगा, ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो एन सी आर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो एक काम करते हैं, एन सी 2 को और एन सी 3 को मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि यहाँ ज़्यादा स्पेस कवर कर लेगा। ठीक है, तो मैं कहाँ करूँ इसको, चलिए यहाँ कर देता हूँ, इतने बॉक्स में मैं एन सी 2 और एन सी 3 आपको निकाल के दिखाता हूँ। एन सी 2 एन सी आर क्या होता है फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। फिर क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसको एक्सपेंड करते हैं, जैसे यहाँ एन है और यहाँ एन माइनस 2 है, बड़ा क्या हुआ एन, तो एन को एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड करने में क्या होता है कम करते जाते हैं 1, तो एन क्या आएगा एन एक और कम होगा एन माइनस 1, कहाँ तक कम करोगे जितना नीचे लिखा है यानी एन माइनस 2 तक, और फिर रोक दोगे
और रोकने का मतलब फैक्टोरियल लगा देना है, अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल, और टू फैक्टोरियल तो टू ही होगा क्योंकि टू फैक्टोरियल क्या होता है, टू इंटू वन, तो ये टू आता है, ये कट गया। तो फिलहाल हमें एन सी टू के लिए मिल गई है एन एन माइनस वन अपॉन टू, तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं एन एन माइनस वन अपॉन टू, बाकी एक्स की पावर एन माइनस टू है, ए की पावर टू है, इक्वल टू 720, ये होगी सेकेंड कंडीशन। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन में एन सी थ्री है, तो यहाँ एन सी थ्री सॉल्व कर लेते हैं, तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस थ्री फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल, तो ये आएगा आपका एन फैक्टोरियल, एन कम करते जाएंगे एन माइनस टू, मतलब पहले एन आएगा, फिर एन माइनस वन आएगा, फिर एन माइनस टू आएगा, फिर जाके एन माइनस थ्री आएगा फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, और थ्री फैक्टोरियल क्या होगा, थ्री इंटू टू इंटू वन, तो ये कट गया। तो यहाँ से कितना आ रहा है आपका, अगर थर्ड की बात करें तो एन सी थ्री की यहाँ पे वैल्यू आ गई है एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन सिक्स, तो यहाँ पुट कर देते हैं थर्ड इक्वेशन के लिए एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन सिक्स, एक्स की पावर एन माइनस थ्री, ए की पावर थ्री इक्वल टू 1080, ये थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीन इक्वेशन आ गई हैं। अब सारा काम इन्हीं तीन इक्वेशन का है, तो ये तीन इक्वेशन अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर इन्हीं को हमें क्या करना है, डिवाइड करके करना है। पहले हम फर्स्ट अपॉन सेकेंड करेंगे, फिर हम सेकेंड अपॉन थर्ड करेंगे, वहां से हमें वैल्यू मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे तीन इक्वेशन लिख लिए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब हम डिवाइड करके करेंगे, यानी फर्स्ट अपॉन सेकेंड करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट अपॉन सेकेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन है एन एक्स की पावर एन माइनस वन ए अपॉन, सेकेंड है एन एन माइनस वन अपॉन टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए की पावर टू इक्वल टू 240 अपॉन 720, तो यहाँ 0 0 कैंसिल होगा, और ये फाइनली थ्री टाइम्स कैंसिल हो रहा है 1/3, क्योंकि 24 इंटू थ्री होता है, तो ये 1/3 आया। एन से एन कट गया, एक ए कट जाएगा, ये टू न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो कितना आएगा, देखो टू न्यूमरेटर में आ गया ये वाला, ये एन माइनस वन तो डिवाइड में ही रहेगा, देखो यहाँ एक्स की पावर एन माइनस वन है, यहाँ एक्स की पावर एन माइनस टू है, बेस सेम है लेकिन डिवाइड में है, तो पावर क्या होगी माइनस, तो एक्स की पावर एन माइनस वन, इसको माइनस करना है इस पावर को, तो माइनस का एन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं, और एक ए कट गया तो नीचे एक ए बचा है इक्वल टू 1/3, एन से एन कट गया, टू माइनस वन वन बचा, तो टू एक्स अपॉन एन माइनस वन और इंटू ए इक्वल टू 1/3, तो यहाँ से एक्स अपॉन ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, टू को भी यहाँ डिवाइड कर लें 6, और ये एन माइनस वन को यहाँ कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक और इक्वेशन निकाल के रख ली फोर्थ, जिसमें हमने एक्स अपॉन ए निकाल के रख लिया, अब देखते हैं सेकेंड अपॉन थर्ड में करने पे क्या आता है। ठीक है, तो चलिए अब सेकेंड अपॉन थर्ड करते हैं, तो एन एन माइनस वन अपॉन टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए की पावर टू अपॉन, थर्ड वाले में है एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन सिक्स, एक्स की पावर एन माइनस थ्री ए की पावर थ्री इक्वल टू, यहाँ 720 है और यहाँ 1080 है, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एन एन माइनस वन, ये टू से थ्री टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए की पावर टू कैंसिल हो जाएगा, इस पावर थ्री कैंसिल कर देगा, एक ए बचेगा। ठीक है, अब यहाँ कैंसिल कर लेते हैं, तो 36 से कैंसिल दोनों हो रहे हैं, तो ये टू हो जाएगा और ये थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो 2/3 होगा, क्योंकि 36 का अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करें तो 1080 आता है, और अब ये कैंसिल नहीं होगा। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अब देखा जाए तो इससे जो सिंप्लीफाई होके आएगा, और ये जो फोर्थ इक्वेशन आई है इसका काम रहेगा यहीं से निकल जाएगा जो निकलना है। तो यहाँ क्या क्या बचा है, देखो देखो लास्ट की तरह बेस सेम है, पावर माइनस करेंगे तो एक्स की पावर एन माइनस टू है, और नीचे वाले करेंगे तो माइनस का एन प्लस का थ्री हो जाएगा, डिवाइड में क्या बचेगा, एक एन माइनस टू, और अपॉन जो जो थ्री बचा हुआ है ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और ये तो सॉल्व हो गया, एक्स एक ए बचा हुआ है इक्वल टू 2/3,
तो यहां तो देखा एन एन कट गया, 3 - 2 1 हो गया, तो 3x अपॉन ए एन माइनस टू बी है इक्वल टू 2/3। तो यहां भी अगर हम x अपॉन ए फाइंड आउट कर लें तो क्या होगा, एन माइनस टू यहां आएगा, ठीक है। अगर x अपॉन ए फाइंड आउट कर रहे हैं, क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि फोर्थ इक्वेशन में x अपॉन ए मैंने LHS में लिया है और 2 भी है इधर, तो 2 मल्टीप्लाई हुआ n माइनस टू से और ये 3 इधर डिवाइड में आएगा तो 9 आ जाएगा, यहाँ 3 3 9। इसको अगर हम फिफ्थ इक्वेशन ले लें और अब हम फोर्थ और फिफ्थ को सॉल्व करें, क्योंकि दोनों का LHS सेम है तो दोनों का RHS सेम हो जाएगा, तो यहाँ से हमें एन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एन, ठीक है। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, तो फोर्थ हमारे पास उसका आरएचएस है एन माइनस वन अपॉन सिक्स और इसका है 2 × n - 2/9। ये इसलिए इक्वल हो गए क्योंकि दोनों का एलएचएस इक्वल था। चलिए अब ये कैंसिल कुछ हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं, 3 3 = 9 2 3 = 6, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 = 4 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ 4 का मल्टीप्लाई होगा, ये इधर आएगा 3n - 4n, यहाँ माइनस का 8, ये इधर आएगा प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 5, माइनस का n, माइनस माइनस कट गया, तो n के लिए फाइनली कितनी आ गई, n इक्वल टू 5। तो हमारा अब n 5 आ गया, ठीक है। हमें x और a और फाइंड आउट करना है, तो सेकेंड टर्म हमने क्या लिखा था, अगर आप वापस देख लें कॉपी में, तो सेकेंड टर्म जो है वो हमने लिखा था एन सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 और a की पावर 1, ये था हमारा सेकेंड टर्म और वो था 240 के इक्वल। तो आप पीछे देख ले जाके कि हमने सेकेंड टर्म ये लिखा था, इसकी वापस नीड इसलिए क्योंकि हमें n पता लग गया है, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं n के लिए, तो n 5 है, 5c1 x की पावर 5 - 1 इंटू ए इक्वल टू 240, 5c1 5 होगा, 5x की पावर 4 इंटू ए 240, 5 से डिवाइड कर दो तो x की पावर 4 इंटू ए इक्वल टू 240/5, 5 4 = 20 4 आएगा, 5 8 = 40, तो x की पावर 4 इंटू ए 48 की प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 24 2 12 2 6 2 3 1, तो 2 की पावर 4 आया इंटू 3 आया, यहाँ x की पावर 4 है इंटू ए, तो आप ये देख पा रहे कंपेयर करके, यहाँ x की पावर 4 है या 2 की पावर 4 है, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा और a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो और n हमारा 5 आया। तो लेंथी क्वेश्चन था लेकिन अच्छा है क्योंकि 6 मार्क्स लायक क्वेश्चन है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब होता क्या है, कई कुछ क्वेश्चन 6 मार्क्स लायक होते हैं लेकिन 4 में आते, तो मैंने फिलहाल इसको 4 में कंसीडर किया है, ठीक है। लेकिन आप इसको कर लें, 4 में और 6 में किसी में भी आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इसमें लिखा है फाइंड द 13th टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, एक एक्सपेंशन है ए और ये बी है, पावर 18 है। तो मैं आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख देता हूँ कि अगर a प्लस बी की पावर n है तो हम बाइनोमियल में जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं टी आर प्लस 1 से, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है NCR, देखा जाए तो लॉजिक सेम है, मैंने जो सिखाया था कि a में क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस, b में क्या होगा जो नीचे वाला, तो जनरल टर्म में कोई नई चीज़ नहीं है, जो मैंने आपको एक्सपेंशन में सिखाया है वो आप देख सकते हो जनरल टर्म में भी है। अब क्या याद रखना है आपको कि अगर आपसे कोई कहे 13th टर्म बताओ, तो अगर मुझे यहाँ 13 लाना है तो r को मुझे क्या पुट करना होगा 12, क्योंकि 12 + 1 ऑटोमेटिक 13 आ जाएगा। अगर मैं कहूँ आपसे को फिफ्थ टर्म बताओ तो r को आपको 4 लेना है, समझ में आ गया। तो चलिए फिलहाल इसको मैं 13th टर्म बताना है तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलिए a भी डिसाइड कर लें, इसमें a और b क्या है और n क्या लिख लेते हैं, n हमारा 18 है इस क्वेश्चन में, a हमारा 9x है, b हमारा, अब यहाँ फॉर्मूले में प्लस है तो यहाँ माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमें निकालना है t13 को हम लिख देंगे 12 + 1 क्योंकि r प्लस 1 है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है NCR, तो n हमारा 18 है तो 18 CR, r हमारा क्या है 12, a की पावर n माइनस r यानी कि 9x की पावर 18 - 12, b की पावर r यानी कि -1/3√x की पावर r यानी r 12 है, बस यानी कि बस हम इसको सिंप्लीफाई करना है हमारा आंसर आ जाएगा। तो 18c12 इंटू ये 9x की पावर 6 आ गया, माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो तो माइनस हट जाता है तो 1 रहेगा,
और ये पावर दोनों को मिल जाएगी, 3 की पावर 12 हो जाएगा, रूट एक्स की पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, 18 सी 12 को सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, 18 इंटू पहले तो हम लिखेंगे इसको एन सी आर का फॉर्मूला लिखेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो इसको अप्लाई कर लिया इंटू, ये हो जाएगा 9 की पावर 6। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में आप सेपरेट कर सकते हैं पावर, इंटू एक्स की पावर 6 इंटू 1 अपॉन 3 की पावर 12 इंटू, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 है, यानी कि एक्स की पावर 12 तो पहले से है लेकिन रूट था तो डिवाइड में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 18 फैक्टोरियल अपॉन 18 माइनस 12 6 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 पावर है 6 इंटू एक्स की पावर 6 इंटू 1 अपॉन, यहाँ 3 की पावर 12 है, ये 2 टाइम्स कट गया तो एक्स की पावर 6 बचा, तो एक्स की पावर 6 हो गया कैंसिल। अब 18 फैक्टोरियल को कहाँ तक रिड्यूस करेंगे, 12 तक, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। तो 18 को लिखेंगे 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, ठीक है, अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल लिखेंगे वो भी इंटू, क्या क्या बचा, ये 3 की पावर 12 है, ये तो मल्टीप्लाई में 1 है तो लिखने कोई मतलब नहीं, नीचे भी 3 की पावर 12 भी है तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, और 12 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया। अब 6 फैक्टोरियल को लिख लेते हैं, तो 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15, देखा है तो सिंप्लीफाई करना है, 14 इंटू 13 अपॉन 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15 और 4 4 जा 16, 3 से 3 कैंसिल और 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो बस आप देख पा रहे नंबर आपके आए हैं 17 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 14 इंटू 13, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18564, तो आप मल्टीप्लाई कर ले तो फाइनल आंसर आ गया 18564। तो आइए एक टर्म लिस्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, उसमें लिखा है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब हमें ऐसा है टर्म फाइंड आउट करना है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, तो अब टर्म तो नहीं पता कौन सा लेकिन हम जनरल टर्म का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो जो मैंने जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखा था टी आर प्लस वन, अगर ए प्लस बी की पावर एन है तो फॉर्मूला था एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, तो यही यूज कर लेंगे और बाद में डिसाइड करेंगे कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब है उसमें एक्स नहीं होना चाहिए, अभी आपको फिलहाल इतना पता है, इसके लिए क्या क्या यूज होगा वो अभी देखते जाएंगे। चलिए पहले फॉर्म लिखते हैं टी आर प्लस वन एन सी आर, इसमें देखो तो एन आपका 18 है, सी आर ए यहाँ पे क्या है क्यूब रूट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस आर है इंटू बी की पावर आर, बी यहाँ पे 1 अपॉन 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स की पावर आर, आर यहाँ पे एन 18 है तो एन को हम 18 ही पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 18 सी आर क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, जैसे रूट एक्स का मतलब पावर 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 18 माइनस आर अपॉन 3 1 अपॉन, ये 2 ये आर इसको भी मिलेगा लेकिन 1 की पावर आर 1 ही हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर आर हो जाएगा, यहाँ क्यूब रूट ऑफ एक्स की पावर आर हो जाएगा, तो 18 सी आर एक्स की पावर 18 माइनस आर अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर आर इंटू, ये भी क्यूब रूट है तो मैंने बताया कि पावर 1/3 होगा तो आर 1/3 आ जाएगा, तो टी आर प्लस वन इजक्वल टू 18 सी आर इंटू, तो ये भी एक्स की पावर है ये भी एक्स की पावर लेकिन डिवाइड में है, तो ये वाली पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो यहाँ है 18 माइनस आर अपॉन 3, तो ये माइनस का आर बाई 3 ये इधर आ जाएगा और इंटू 1 अपॉन 2 की पावर आर, तो 18 सी आर एलसीएम तो सेम ही है, तो 18 माइनस आर माइनस का आर होगा, तो एक्स की पावर 18 माइनस 2 आर अपॉन 3 आ जाएगा इंटू 1 अपॉन 2 की पावर आर, ये आ गया टी आर प्लस 1। तो फाइनली सिंप्लीफाई करने पे हमारा ये रिजल्ट आया,
तो अब इस क्वेश्चन में बोला गया था कि जो हमारा टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, अभी तो हमारा एक्स आ रहा है, अगर मुझे इसको इंडिपेंडेंट करना है एक्स ना हो तो वो कब पॉसिबल है, जब एक्स की पावर क्या हो जाए जीरो, क्योंकि किसी की भी पावर जीरो होगा तो वो वन हो जाएगा, और ये टर्म अगर वन हो गया तो एक्स उसमें नहीं होगा। तो यानी क्या करना है, इंडिपेंडेंट करने के लिए जो भी एक्स की पावर है उसको हम जीरो कर देंगे, और यहाँ से एक्स फाइंड आउट आर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये जीरो हो जाएगा 18 माइनस 2r, तो 2r इक्वल टू 18, तो r की वैल्यू क्या आ गई 9, तो हमें पता लग गया r यहाँ पे 9 है, और अगर r 9 है तो r को अगर 9 पुट करेंगे तो हमें टेंथ टर्म मिलेगा। तो बोला था विच टर्म, तो कोई टर्म पूछता है तो वो टेंथ टर्म है और उसकी क्या वैल्यू है तो पुट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे वापस ये हमारा जो मेन टी आर प्लस वन लिखा हुआ है इसमें हम आर के लिए 9 पुट कर देते हैं, तो यहाँ आंसर लिख देता हूँ, तो टी 9 प्लस 1 इक्वल टू 18 सी आर, तो 18 सी 9, और यहाँ तो एक्स की पावर जीरो हो जाएगा क्योंकि आपने इस टर्म को जीरो लिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन, 1/2 की पावर आर है यानी 2 की पावर 9, तो 18 सी 9 एक्स की पावर जीरो 1 हो गया, तो समझ में आ गया होगा कि पावर जीरो कर दिया जिससे कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाए, वहाँ से आर मिल गया और वह टर्म भी मिल गया। कोई पूछे कौन सा टर्म है तो टेंथ टर्म, और उस टर्म की वैल्यू क्या है वो ये है। सॉल्व करने की ज़्यादा जरूरत नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी है और बुक में भी आंसर यही दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप आपको टर्म बेस्ड क्वेश्चन समझ में आए हो, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे और आपको ज़्यादा ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, और अगर आपको समझ में आए क्वेश्चन तो यार प्लीज़ लाइक करें जिससे कि मुझे आपके लिए और वीडियोस बनाने और फास्ट करूँ अपनी स्पीड को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, आज के लिए।